इसका कलर हो गया कुर्सी में बैठ जाइए ना, ये कुर्सी जी को कुर्सी दे दीजिए, बैठे बाबू बैठे कौन है ना अभी भाई थोड़ा दूर रहिए, शुरू करें सर। भाई जी पूरा वायर थोड़ा दूर रखिए ना। हर हर मोदी, घर घर मौत। हर हर मोदी, घर घर मौत। और है खौफ, डर, खौफ, मौत। 8 सालों से लगातार 22,000 करोड़ से भी ज्यादा SBI ने 7/2/2022 को ABG शिपयार्ड कप ने FIR दर्ज किया। 1/8/17 को NCLT हैदराबाद दोबारा की जाती है। SBI ने 19/2019 को फर्जी खाता के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा CBI से। दोबारा 26/8/2020 को दूसरी शिकायत FIR करने को कहा। वित्त मंत्रालय को लिखा, RBI को लिखा। 5 साल CBI को कौन ताकत है जो रोक रही थी, इन गुजराती फ्रॉड को बचा रहा था, और कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, इसकी पूरी जांच सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदय के द्वारा करवाई, क्या उनकी मॉनिटरिंग में हो। CBI इंक्वायरी पूरी सर्वोच्च न्यायालय के। दूसरी चीज, डर और खौफ और मौत क्यों, सरकार का जवाब आया है 25,000 आत्महत्या हुई है, 9,000 नौकरी जाने से आत्महत्या की गई है, और 18,000 के लगभग रोजगार जाने से, जबकि 3 लाख से ज्यादा मौत हुई है इस 3 साल के अंदर कोरोना के पीरियड में, और सरकार गृह मंत्री का रिपोर्ट है 25,000। तो हर हर मोदी या घर घर मोदी, तो इसीलिए 8 साल पहले आए थे कि हर हर मोदी और घर घर मौत और घर घर डर, घर घर खौफ। देश को एक बड़ा चोट देने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश से लेकर के 5 विधानसभा में यह ताकत बता देने की जरूरत है कि इस डर, खौफ और मौत को अब वोट से खत्म कर दे। एक जो प्रथम चरण में सब दिख गया, 7/2022 को राजभवन मार्च हम लोग करने जा रहे हैं। 7 मार्च पहला रोजगार, लगातार स्थिति हो या जिन रेलवे मामले में दबा दिया गया और बिहार में रोजगार और आर्मी की नौकरी भी बंद हो गई, एक दूसरा लगातार महिलाओं का शोषण, माफिया नेता और पदाधिकारियों का जमीन घोटाला, जमीन में लगातार मौत, चाहे वो दरभंगा की घटना हो, चाहे मुजफ्फरपुर की, चाहे अन्य घटना, और तीसरा विशेष राग। इन 3 मुद्दों को लेकर राजभवन मार्च 7 तारीख को विधानसभा भी खुले रहेंगे। हमें किसी भी कीमत पर नेता पदाधिकारी जमीन माफिया के नेक्सस को उजागर करना है, साथ साथ हाईकोर्ट भी इन मुद्दों को लेके जाना है। 7 मार्च को रोजगार के मुद्दों पर एक बड़ा राजभवन मार्च निर्णय हमारे कोर कमेटी के नेताओं ने लिया है। 15 फरवरी 23 मार्च लोहिया और सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि, 23 मार्च
से बिहार बनाओ रोजगार यात्रा जन अधिकार पार्टी कैसे इतनी बड़ी शक्ति विपक्ष को दी गई 75 सत्ता पक्ष से ज्यादा और वो मौन, बीजेपी की भी टीम और ये 16 साल के माफिया राज। यदि वो जंगल राज था तो माफिया राज, लेकिन ये बिहार की जनता तय करेगी कि अब बिहार कैसे बनाया जाए। यह जिम्मेदारी बिहार की जनता की होगी, इसलिए 23 तारीख से 23 अप्रैल तक पूरे बिहार में बिहार बनाओ रोजगार यात्रा, उसमें मैं खुद और हमारे पार्टी के सारे लीडर हम लोग साथ चले। अब बैठने का वक्त नहीं है, वैसे भी जो घटना बच्चियों को थानेदार बुला रही है दरभंगा में, अकेले आओ, 2 दिन पहले उसके घर तोड़ दिए गए। दरभंगा राज महाराज ने जितनी जमीन दान की सब वहां के विधायक एमएलए एमपी मंत्री संतरी कब्जा कर लिया। सभी शहरों में विधायक माफियाओं के साथ कब्जा कर रही है। एम्स का 100 से लगभग 100 के लगभग जमीन गायब, एम्स का सिर्फ एक का। जिस तरीके से रूटली मर्डर किया गया है, हमने यह बात मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में भी कल दी है और हम इसमें इंक्वायरी चाहते हैं। जरूरत पड़ेगी तो हाईकोर्ट भी जाएंगे। दरभंगा महाराज ने जो दान दिया उस पूरी जमीन को खाली करवाए और फर्जी रिश्तेदार जो बन के आए हैं वो दरभंगा राज महाराज का नेताओं को और माफियाओं को रजिस्ट्री कर रहा है, उसकी भी पूरी इंक्वायरी। इन नेता और उनकी क्या गठबंधन है उस पर पूरी जांच हाईकोर्ट के द्वारा सरकार करा पूरे बिहार के जमीन के मामले में। और अंतिम, हम लोग गंभीर हैं, लगातार बेटियों के पूरा भारत बिहार के बच्चे, कोई झारखंड कोई कहीं से जाके निर्माण करता है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन लालू यादव जी जब अध्यक्ष थे तब से लेकर आज तक बिहार के बच्चों की जिंदगी तबाह कर दिया। राजनेताओं का बेटा या बड़े पैसे वालों का बेटा सिर्फ खेलेगा, इसके लिए बड़े जंग की जरूरत है। और हम लोग बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के इस 20 साल के डोरेशन को देखकर पूरे बिहार के हर खिलाड़ियों से हम एक ऐप बना रहे हैं सोशल मीडिया पर और राय लेंगे और उसके बाद महाभारत से भी बड़ी जंग इस एसोसिएशन के खिलाफ हो। छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं किसी को, ये मैं आपको बता। ईशान किशन के पिता ने भी आरोप लगाया है कि राजनीति होती है बीसीए में। सर उन्होंने बिल्कुल सही कहा, निशान किशन के पिता ने ही नहीं सर, एक एक प्रतिभावान बच्चों की जिंदगी तबाह कर दिया है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के 20 साल के एक एक मेंबर की संपत्ति की पूरी जांच और इसके खिलाफ जंग, जो भी पदाधिकारी है उसके खिलाफ जंग। कोर कमेटी की आज बैठक थी, उसमें सबसे पहला निर्णय हर हर मोदी घर घर मौत,
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से जांच हो 22,000 करोड़ की घोटाले, कौन आका है जिसने रोका। दूसरा, राजभवन 7 तारीख को मार्च, इन गंभीर 3 मुद्दों को लेकर और 23 तारीख से भगत सिंह के पुण्यतिथि पर बिहार बनाओ और रोजगार यात्रा, 35 साल के विपक्ष और सत्ता पक्ष और वर्तमान में सत्ता पक्ष से ज्यादा बड़ी ताकत विपक्ष के बाद और उसके बाद बीजेपी की बी टीम बनकर लगातार बिहार की बर्बादी में दस्तखत करने वाली दोनों के खिलाफ एक महाजंग की शुरुआत। यह निर्णय दरभंगा और क्रिकेट की घटना, शेल्टर हाउस के मुद्दे पर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये 23 तारीख को जो आप रोजगार यात्रा निकालने वाले हैं, ये कहां से शुरुआत होगी इसकी? जी वो तय आपको मिल जाएगा। बिहार बनाओ रोजगार यात्रा जिला वाइज वो आपको मिल जाएगा।